स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्सेस एप्पल। तो ये पिछला वाला वीडियो था वो प्रो एप्पल था, ये प्रो विंडोज़ है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने उसमें बताया था कि एप्पल क्यों एक्सपेंसिव है, तो यहाँ ये समझना होगा कि विंडोज़ इतना सस्ता क्यों है। तो यहाँ पे ये समझिए, सबसे बड़ा बात ये था कि विंडोज़ का जो फाउंडेशन रखा गया था वो डॉस पे रखा गया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और बंदे ने बनाया था, उसने बिल गेट्स ने खरीदा उसको और उसको बेचा इसके साथ लाइसेंस के साथ IBM को। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक तिगड़म लगा दिया कि IBM उसको ले सकता है, आराम से बना सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट यानी कि जो कंपनी है वो उसका लाइसेंस रखे रहेगी, यानी कि वो किसी और को बेच सकती है। इसी कारण से मतलब माइक्रोसॉफ्ट इतना अमीर हो गया, क्योंकि फिर देखते देखते बाकी सारे मैन्युफैक्चरर घुस गए, जैसे कि HP घुस गया, डेल घुस गया, और मतलब गीगाबाइट, MSI, ये सब कंपनी जब उतारने लगे तब जाके ये माइक्रोसॉफ्ट को एक फ़ायदा मिल गया कि उसको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है, और बाकी सारे हार्डवेयर कंपनी को ये मिल गया कि खूब सारा ऑप्शन मिल गया, और इसके कारण से कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तो आप समझिए कि मतलब IBM स्टार्टिंग किया था पर्सनल कंप्यूटर का, मतलब ये कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट था IBM का जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था कि आधा से ज़्यादा कंप्यूटर का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि PS2 का वो जो होता था, क्या बोलते हैं, प्लग होता था जो कीबोर्ड और माउस के लिए इस्तेमाल होता था, कीबोर्ड का लेआउट, ये सब IBM से आया है। लेकिन धीरे धीरे मतलब बाकी सब कंपनी कूद गई, तो जब बाकी सब कंपनी कूद गए तो वो लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा कि भैया हम क्यों, मेरा आप क्यों खरीदें। तो जनरली प्राइस पे लड़ाई की है, जैसे कि डेल का एक बहुत स्मार्ट आइडिया था कि जो बंदा डेल को बनाया है कंपनी, वो खुद थोड़े कुछ बनाया, उसने ये देखा कि मतलब कंपनी का बहुत ज़्यादा मार्कअप होता है कोई भी प्रोडक्ट पे। कि जैसे मान लीजिए किसी ने मदरबोर्ड बनाया, ठीक है मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को पैक करो, मदरबोर्ड को इधर से भेजो, बहुत लंबा चौड़ा होता है, फिर होता है कि उसको वेयर हाउस में रखो, फिर उसे दुकान में रखो, होलसेलर में रखो, लंबा पाइपलाइन था। उसने बोला पाइपलाइन से बहुत सारे स्टेप हटा दो, आप सीधे फ़ोन करो कंपनी में, तो मतलब एक जगह पे उनको है कि बस फ़ोन उठाना है, फ़ोन उठा के वो बना देंगे, आपको बना के फाइनल प्रोडक्ट भेजेंगे। तो इससे बीच का मिडिलमैन हटाने से उनका दाम घट गया। तो ऐसे ही करके काफ़ी कंपनी अलग अलग तरीका करने, जैसे कि HP था कि वो अपना ही फैक्ट्री बिछाने लगा, MSI, गीगाबाइट, ये सब अपना ही सब चूज करने लगे ताकि जाके दाम घटाने लगे। तो इसी कारण से जो माइक्रोसॉफ्ट को टेंशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का भैया मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, बाकी तुम लोग अपना हार्डवेयर में लड़ाई करो, हार्डवेयर में इतने सारे प्लेयर आ गए तो उसका दाम घटने लगा। तो इसी कारण से चीपर ऑप्शन है, इसलिए चीप नहीं है कि ये बेकार है, इसलिए चीप है क्योंकि खूब लोग लड़ाई कर रहे हैं इसको। तो फिर जैसे कि एप्पल के बारे में बोला जाता है कि वो टेक्नोलॉजी को पुश करते हैं कि थंडरबोल्ट ले आएंगे, मतलब पर पिक्सल कलर एक्यूरेसी ले आएंगे, काफ़ी चीज़ पुश करते हैं, NVMe SSD दे देते हैं। तो ये क्या पुश कर रहे हैं, ये समझिए इनका पुश है रिच पे, यानी कि हर जगह आपको इनका कंप्यूटर देखने को मिलेगा, मतलब रेफ्रिजरेटर से लेके TV में कंप्यूटर स्टिक से लेके मीडिया सेंटर PC से लेके मिलिट्री के लैपटॉप तक, हर जगह आपको विंडोज़ दिख जाएगा। विंडोज़ का जो रीच है वो हर जगह, और वो इसलिए पॉसिबल है कि लो प्राइस है। तो लो प्राइस होने के कारण से हर कोई खरीदे, जैसे इंडिया में आपको कितना लगता है कितना विंडोज़ खरीदा मतलब जाएगा वर्सेस कितना एप्पल, इक्का दुक्का लोग एप्पल खरीदेंगे। मुंबई में खूब लोग खरीदते हैं क्योंकि दिखाने में अच्छा लगता है, कि मतलब मेरे एक फ्रेंड है जो मुंबई में अभी वीडियो एडिटर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको कि वही जहाँ पे जाते हैं सामने वाला मतलब रिसेप्शनिस्ट के पास, हाँ विंडोज़ है, जहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं ये मतलब iMac है, और इधर उधर सब दिखा देंगे, और जब पीछे आइएगा बैकग्राउंड में जब जहाँ एक्चुअल काम हो रहा है वहाँ तो विंडोज़ ही है। तो वैसे समझिए लो प्राइस जो है इसको काफ़ी अफोर्डेबल बना देता है। और कस्टमाइजेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विंडोज़ जो है वो आपसे नहीं लड़ाई करेगा कि आपको क्या करना है, आपको जो करना है करो, मैं आपको बस एक बेस दे देता हूँ। तो उस बेस में विंडोज़ जो है चार पांच लेयर बनाता है। पहला लेयर होगा जैसे कि विंडोज़ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में आएगा सर्वर, फिर हुआ दूसरा लेयर एंटरप्राइज जो मतलब OS है, मतलब जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए होगा, उनको वो मिल गया। फिर कुछ लोग होंगे कि भैया मेरे को उतना फजीयत नहीं, मेरे को सिर्फ मीडिया का काम करना है, उनके लिए ये मीडिया बना देगा। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स को माइक्रोसॉफ्ट ऐड करता है या हटाता है, जैसे कि काफ़ी सारे रिकवरी मॉड्यूल्स होते हैं जो सर्वर में लगाया जाता है ताकि सर्वर क्रैश ना हो, बहुत सारा चीज़ हटा दिया जाता है, बैकग्राउंड एप्लीकेशन सब हटा देते हैं ताकि सर्वर एकदम स्मूथली चल सके, और सिक्योरिटी फंक्शन डाल देते हैं। फिर वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिएगा तो उसमें एंटरप्राइज का ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको बिट लेवल का इंक्रिप्शन मिल जाता है कि आप हार्ड ड्राइव पूरा इंक्रिप्ट कर सकते हो, और उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, और चांसेस होता है कि अगर ठीक से नहीं पता है पासवर्ड का, कुछ गेस नहीं कर पा रहे तो हार्ड ड्राइव मर जाता है उससे पहले कि आप उसको क्रैक कर पाएं। तो समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट खुला दे रहा है, मतलब उन्होंने खूब सारे मॉड्यूल बनाए, पैकेजिंग कर करके दे रहे हैं। तो किसी को मतलब जैसे इंटेल को बीच में आया कि कंप्यूटर स्टिक बनाते हैं कि बस एक छोटा सा कंप्यूटर, जैसे क्रोमकास्ट है, क्रोमकास्ट तो कुछ खास नहीं करता, नहीं ये पूरा कंप्यूटर कंप्यूटर स्टिक में डाल दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बोला ठीक है ये सब चीज़ हटा दो, ये लाइट वेट है, विंडोज लाइट है, इसको लगा लो इसमें। तो समझ रहे कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी है, और दोनों तरफ है, हार्डवेयर में भी आपको जो चाहिए, जैसे ये विंडोज कंप्यूटर है, और मतलब ये विंडोज लैपटॉप है, ये विंडोज फ्रिज है, तो कस्टमर
कस्टमाइजेबिलिटी दोनों तरफ है कि मतलब कंपनी को भी जो करना है कर ले और कस्टमर को भी जो करना है कर ले। तो इसी कारण से इसका रीच हर जगह है। मतलब डिस्कशन ये नहीं होता है कि एप्पल वर्सेस विंडोज़, डिस्कशन ये होता है कि एप्पल या लिनक्स, क्योंकि आप समझिए कि विंडोज़ अपने सबको संभाल के रखा हुआ है, बाकी लोग वो जो बचा पीस है उस पर लड़ाई कर रहे हैं। और ये सूटेबल हर चीज़ के लिए, आपको मतलब सर्वर से लेके मिलिट्री के एप्लीकेशन तक चला जाता है, ये हर चीज़ के लिए सूटेबल है। तो फिर इसका एक्चुअल वर्क रियलिटी में, मतलब जहाँ पे लोग एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैं 3D गेम आर्टिस्ट था, तो जिस टाइम जो मैं एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहा था तो किस पे कर रहा था, तो ये आता है विंडोज़ पे। तो ये विंडोज़ पे क्यों सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी है। यहाँ पे यह समझिए मल्टीपल जब कंपनी काम कर रही है तो उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए AMD ने ग्राफिक्स कार्ड बनाया, ठीक है, बल्ले बल्ले, अब वो ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर कौन बनाएगा, एप्पल के केस में एप्पल खुद बनाएगा, तो उसका चार्ज आपको लगेगा। यहाँ पे एप्पल नहीं, ये विंडोज़ को टेंशन नहीं लेना, आप ड्राइवर बनाओ, तो फिर NVIDIA भी अपना ड्राइवर बनाता, और ये दोनों लोग अपना ड्राइवर अच्छा देना चाहते हैं ताकि लोग इनका खरीदें। क्योंकि मान लीजिए आप लगाते हो NVIDIA का ड्राइवर नहीं अच्छा से चलता है, अब बोले भैया AMD खरीद लो, आपके पास ऑप्शन है। तो इसी कारण से कंपनी जो है खुद पुश करती है, जैसे मेलनॉक्स है, वो नेटवर्किंग इक्विपमेंट बना रहा है, वो खुद मेहनत करेगा कि भैया इसको एकदम मेहनत करके करो ताकि इसका मेरा ड्राइवर एकदम बल्ले बल्ले चले। तो ये एक एक चीज़ पे हो जाता है। बहुत सारा चीज़ है जो विंडोज़ में चलता है जिसके बारे में आप सोचते नहीं हो, जैसे कि हार्ड ड्राइव हुआ, NVMe हुआ, डिस्प्ले सिस्टम्स हुआ, बहुत सारा चीज़ है। तो वो सब कैसे चल जा रहा है, तो उसका मतलब कंपनी, यानी कि जो जैसे डेल हुआ या HP हुआ या जो आसूस हुआ, एक ब्लूरे प्लेयर के बारे में बात करता हूँ, आपको ब्लूरे प्लेयर खरीदना है, आप ट्राई कीजिए एप्पल में करने, तो एप्पल खुद संभाल लेगा कि हाँ मेरे कंप्यूटर में ये आ रहा है तो मैं ये इसका ड्राइवर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, आसूस हार्डवेयर बना रहा है, LG बना रहा है, तो दोनों कोशिश करेंगे ना कि उनका ड्राइवर सही चले। अब माइक्रोसॉफ्ट को क्या है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है, इस पर लगा लो। तो इसी कारण से एंडलेस पॉसिबिलिटी हो जाती है, और इस तरह के आपको हार्डवेयर मिल जाएंगे जो एक्चुअल है। जैसे कि ये जिंगा में मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे था ये, मतलब एग्जैक्टली यही नहीं था HP का Z800, लेकिन इसी टाइप का मिल जाएगा। और ये डेल का जो वर्क स्टेशन है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत हाई एंड होता है, और ये सब में जब तक आप कुछ जरूरत से ज़्यादा तिगड़म नहीं करेंगे ये सब क्रैश नहीं होता है। मतलब कि ये खासकर ये डेल वाले में इतने आगे तक चले जाते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो हार्ड ड्राइव पे बैकअप करके लगा हुआ है, कि अगर एक हार्ड ड्राइव खराब हुआ तुरंत बटन दबा के निकाल दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाएगा। पावर सप्लाई पे भी डुअल रिडंडेंसी रखा जाता है कि मतलब जो सर्वर वाला पावर सप्लाई वो लगा देते हैं, प्रोसेसर भी मतलब वर्क स्टेशन में आता है दो, ताकि मान लीजिए एक प्रोसेसर में 18 कोर है, आपका उससे काम नहीं चला, वीडियो रेंडरिंग के दरमियान पे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप 3D रेंडर करते हैं, यानी कि मान लीजिए जो टॉय स्टोरी बनाना ये सब बनाना है, वो सब तो प्रोसेसर कोर एकदम फ्री फंड का खाता है। तो वो सबको खिलाने के लिए कि हाँ भैया 2 लगा दो या 4 लगा दो। तो ये सब समझ लीजिए कि यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी होने के चलते लोग कुछ भी बनाते हैं। जैसे आपको हल्के में काम निपटाना है, ये HP का लाख रुपए मिलेगा, आपको भारी काम निपटाना है, आपको एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चाहिए, 5 लाख में आप ये डेल का ले लो, आपको सर्वर चलाना है ले लीजिए ना, जो लेना है लीजिए, आपका एकदम ऑप्शन है। तो ये बहुत ज्यादा इसका वर्क हॉर्स का स्टेटस है। ये मतलब ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता, ये काम करता है। जो लोग काफी लोग आपको बोलते हैं ना कि विंडोज हमेशा क्रैश करता है कुछ नहीं, तो सर्वर चल रहा है उस पर। विंडोज का क्रैश करने का बहुत सारा रीजन होता है, जैसे कि सबसे सिंपल कि मैंने बताया, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाया जाता है ताकि ये मतलब क्रैश ना करे। दूसरा, इसमें बहुत सारा ये भी चीज हटा दिया जाता है जो बैकग्राउंड होता है, तभी तो आप देखते हो ना सर्वर में हर चीज को कमांड लाइन से करना पड़ सकता है आपको। तो ये सब कॉन्सेप्ट, प्लस आप ऑपरेटिंग सिस्टम ये कर रहे हो, पायरेट ले रहे हो, एंटीवायरस नहीं लगा रहे हो, और वैलिडेशन नहीं हो रहा है। जब भी आप असेंबल्ड कंप्यूटर बनाते हो तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वैलिडेशन नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपको डेल है, तो डेल थोड़े खुद बना रहा है मदरबोर्ड, या मान लीजिए मदरबोर्ड बना भी ले तो वो हार्ड डिस्क थोड़े बना रहा है, लेकिन वो जो भी लगाएगा वो वैलिडेट करेगा। जो आप देखते हो ना कोई भी चीज़ खरीद में रहता है ना क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट, कि हाँ इसका लगा के इसको लगाएंगे तो काम करेगा, तो ये डेल सब कर लेता है, डेल कर लेगा, HP कर लेगा, तो ये सब नहीं लटकता है। आप HP लिए, वर्क स्टेशन लिए, वो काम करेगा जब तक मतलब कोई वायरस ना आ जाए या कोई अपडेट विंडोज़ की तरफ से करता नहीं, लेकिन जनरली ये सब कंप्यूटर चलता है और आराम से चलता है। मेरे पास मतलब 300-400 कंप्यूटर के बीच में जब मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, तो जनरली हम लोग का हार्ड डिस्क फेल होता था, कभी कभार होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम गया, और वो तो कभी हुआ ही नहीं, कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी नहीं आता है वो, क्योंकि ये सब में ECC इस्तेमाल किया जाता है, एरर करेक्टिंग मेमोरी। ऐसा नहीं है कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हुआ भी तो रिकवर बहुत आसानी से हो जाता है, और प्रोफेशनल वाले में ये सब फजीहत कम हो जाता है, जीरो नहीं कम हो जाता। और एप्पल भी लटकता है, एप्पल में रेनबो आ जाता है। तो समझिए यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी है, इसका ऑप्शंस बहुत हैं, आपको जो बनाना है बनाइए। तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होता है, आपको और हमको को क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया था, इट जस्ट वर्क्स। एप्पल के बारे में, एप्पल आपको हर कुछ करने नहीं देगा, लेकिन जो वो करने देगा वो एकदम बल्ले बल्ले काम करेगा। मतलब वो बोल रहा भैया इस पे वीडियो एडिटिंग करो, वीडियो एडिटिंग करेगा। आप उसमें थोड़ा होशियारी करेंगे कि हम ब्लूरे प्लेयर ला लेंगे, बोले भाई नहीं नहीं
होशियारी नहीं, तो वहाँ पे आपको वो है कि जो करने दे रहा है बल्ले बल्ले कर रहा है, यहाँ पे है कि ये है, मतलब इट जस्ट इट लाइक, मतलब इस पर आपको डिस्कशन नहीं करना है, ये है, मतलब आपको ये है 2018 का मतलब पाई चार्ट आपके लिए, मतलब विंडोज 80% से ऊपर चल रहा है, 86% पे है, मैक है 10% और लिनक्स है 2.7%, मतलब मेजॉरिटी यही है, मतलब आप कहीं पे भी कुछ डेवलपमेंट करने जाइए 90% चांस है आपका पैसा आएगा विंडोज से। अब आप बोलोगे विंडोज़ में हर कोई पायरेट करता है तो कैसे विंडोज़ को आ जाता है, विंडोज़ में पायरेसी आप और हम करेंगे, कंपनी थोड़े करेगा, मेरा कंपनी जो ध्रुवा इंटरेक्टिव था वो थोड़े पायरेट करेगा, तो इस कारण से बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कमाई हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, और इन मार्केट शेयर के कारण ये गेमिंग का बैकबोन बन गया, क्योंकि आप मान लीजिए कोई गेम डेवलपर है, गेम डेवलप करना बहुत मुश्किल बात होता है, सोनी को बनाने में बैंड बच जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सबॉक्स डिवीजन उसको बैंड बच जाता है, तो कंप्यूटर में बनाने के लिए बहुत फजीहत लगता है, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि ये बनाएंगे और चलेगा, तो आपका बस मार्केट शेयर होना चाहिए कि इस मार्केट शेयर में से छोटे से लोग खरीद लेंगे ओरिजिनल गेम पीसी गेम, तो उससे आपका प्रॉफिट हो रहा है। स्टीम के पास तो एकदम दबा के पैसा आ रहा है क्योंकि विंडोज फोकस किया, और ये आप इसको सिंपल बताना, आप एलियन वेयर ले लो, ये सब तो मतलब आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं इंडिया में रह रहा हूं, मैं एक छोटे से शहर में रह रहा हूं, अब यहां पे मेरे पास डेल का इंस्पिरॉन 535S खरीदा था मैंने, और ये था मतलब ये समझिए मेरा छोटा टाउन इतना छोटा है कि यहां डोमिनोज अभी आया, मतलब इस साल आया डोमिनोज, और ये मैं कंप्यूटर की बात आपको बता रहा हूं, करीब 6 या 7 साल पहले पुराने की बात, मैंने कंप्यूटर लिया, और होता है कंप्यूटर पुराने वाले में ये बहुत होता था कि रैम जो है आपका गर्म ठंडा होने के चलते टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के चलते वो अनसीट हो जाता था, मतलब आपको उसे निकाल के दोबारा लगा देना ठीक हो जाएगा, एकदम बल्ले बल्ले काम करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अटक जाएगा, तो मैंने फ़ोन किया, आ गए मेरे घर में, आराम से उसको लगा के देखा, सर ठीक है एकदम कोई टेंशन नहीं, मॉनिटर था, मॉनिटर में एक डेड पिक्सल आ गया, आए मॉनिटर उठा के लेके चले गए दूसरा के लिए, एप्पल में तो ये सर्विस है ही नहीं, इसी बोला जो लोग कहते हैं ना एप्पल खराब नहीं होता, अगर एप्पल खराब नहीं होता तो जीनियस बार बनाया नहीं जाता, और जीनियस बार आपको खटाएगा कि भैया आप अपना कंप्यूटर उठा के लाओ, हम नहीं आएंगे पास, डेल आपके पास आएगा। एलियन वेयर का तो इतना एडवांस लेवल पे कि जो मेरे फ्रेंड जो लोग एलियन वेयर का लैपटॉप लिए थे वो मतलब लिटरली लैपटॉप का मदरबोर्ड रखा हुआ है जस्ट इन केस की अगर उसके मदरबोर्ड में दिक्कत आए वो बदल देगा, मतलब टेंशन ही नहीं लेना है, तो ये सब का मतलब अगर आप एक्सपीरियंस कीजिएगा तब बोलिएगा कि नहीं विंडोज़ है, विंडोज़ में दम है, मतलब विंडोज़ का आप ढंग का कंप्यूटर लीजिएगा, ढंग से पैसा खर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, और ये सब खरीदने के बाद भी ये एप्पल से सस्ता रहेगा, ऐसा मत समझिए कि एलियनवेयर बहुत महंगा है, महंगा नहीं है ये, बेयरली 12 या 13% महंगा होता है अगर आप असेंबल करते हो हर चीज़, और असेंबल करने में फजीहत होता है कि आप क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट एक एक चीज़ में नहीं देखोगे, और देख भी लोगे तो क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट में ये प्रॉब्लम होता है कि ड्राइवर कंपैटिबिलिटी वो लोग नहीं बता सकते, तो इसीलिए लोग ये सब पे पैसा खर्च करते हैं, कि जैसे आपको मतलब वीडियो एडिटिंग जो लोग सीरियसली कर रहे हैं ले लेंगे एलियनवेयर, या गेम डेवलपमेंट में काफ़ी लोग खरीद लेते हैं भैया बस खरीदो काम खत्म, तो इसी कारण से देखिए डेवलपर फ्रेंडली है, आप अपना बनाना है बनाइए, आपको सर्वर चलाना है सर्वर चलाइए, आपको एकदम एपिक पीस कंप्यूटेशनल हार्डवेयर चाहिए एलियनवेयर ले लीजिए, तो ये सब मिला के ये हो जाता है कि विंडोज़ है, बाकी सब लड़ रहे हैं कहीं पे लेकिन विंडोज़ है, जैसे कि कितने सर्च इंजन आप जानते हैं बहुत सारे, लेकिन एक गूगल है और बाकी सब है, मतलब सुनिए दादाजी और बाकी सब है, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले में कहा जाता है सैमसंग है और बाकी सब है, तो वही समझिए कि विंडोज़ को इग्नोर करना कि नहीं विंडोज़ गरीब लोगों के लिए है, वो आपके पास तभी होगा जब आप ये पायरेटिव वाला ले रहे हो, दूसरा असेंबल कंप्यूटर में लगा रहे हो, क्योंकि असेंबल कंप्यूटर करना बहुत मुश्किल बात होता है, और कभी भी वो आपको एलियनवेयर या एचपी या डेल का वर्क स्टेशन जैसा रिलायबिलिटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग टेस्ट नहीं कर रहे हो ना, आप थोड़े हो कि मदरबोर्ड लगाए हाँ रैम लगाओ, रैम को पूरा स्ट्रेस टेस्ट करो, आप एक एक चीज़ पर वैसा करोगे तब जाके आपको शायद पता चल नहीं नहीं किंगस्टन का रैम इसके साथ नहीं काम कर रहा है, आप डेटा ए डेटा का रैम लीजिए तब वो काम कर रहा है, फिर पता चला कि पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ रहा, ये सब टेस्टिंग के चलते ये सब महंगा हो जाता है एलियनवेयर और एचपी, अगर कंपनी अच्छे से काम कर रही है, नहीं लूटने का तो सीधे सीधे लूट सकती है, तो ये समझिए कि विंडोज़ है मतलब वहाँ पे डिस्कशन नहीं किया जाता, विंडोज़ है और बाकी कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं इधर उधर, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि लोग विंडोज़ पे क्यों मेहनत करते हैं, क्यों उसको खर्च कर रहे हैं, और क्यों सब लोग मतलब शिकायत करने के बाद भी उसी के पास आ जाता है, तो अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, समझ पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है, और आप कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाइए अगर आप नहीं, तो आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।